नानी थी। मुनिया अभी सिर्फ 10 साल की ही थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। मुनिया अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी मुनिया दादी को पूछती कि उसके माता पिता कहाँ हैं, तो दादी हमेशा मुनिया को कहती, आसमान में जो तारे दिख रहे हैं उसमें ही तुम्हारे माता पिता हैं। रोज रात को मुनिया तारे देखती और अपने माता पिता को याद करके उनसे बात करती। दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी। दादी को लगा कि उनके बाद मुनिया की देखभाल कौन करेगा, तो दादी ने मुनिया के चाचा चाची को बुलाया और उनसे कहा, बेटा अब मुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुनिया को अच्छे से रखोगे। हाँ हाँ माँ, हम मुनिया को अच्छे से रखेंगे। और दादी मुनिया को उसके चाचा चाची के साथ भेज देती है। लेकिन घर जाती ही चाची उससे बहुत काम कराती है और कहती है, अगर तूने अपने चाचा को कुछ भी बोला तो कल से तुझे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब मुनिया बहुत ही दुखी थी और अपने माता पिता को बहुत याद करती थी। मुनिया अक्सर रोया करती थी, लेकिन चाची को मुनिया पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। एक दिन रात को मुनिया बाहर बैठकर सितारों को देख रही होती है। उस दिन आसमान में एक ही सितारा होता है, और जब मुनिया उस सितारे को देखती है तो मुनिया को लगता है जैसे उस सितारे से मुनिया की माँ बात कर रही थी। और अचानक उस सितारा जमीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप ले लेता है। माँ आप? हाँ बेटा मैं। आप यहाँ कैसे आई माँ? और पिताजी कहाँ है? आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बेटा हम कहीं नहीं गए, हम यही हैं तुम्हारे पास। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे ही पास रहोगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये सितारा देकर जा रही हूँ। ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और इतना बोलकर मुनिया की माँ वहाँ से आसमान में सितारा बन जाती है। मुनिया बहुत रोती है और रोते रोते बाहर ही सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। वो जल्दी से जाकर वो सितारा छुपा कर रख देती है। आज मुनिया का जन्मदिन होता है। चाचा मुनिया को बहुत प्यार करते हैं और मुनिया से पूछते हैं, मुनिया बेटा तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और मुनिया को बाजार लेकर जाते हैं और उसे नए कपड़े और मिठाइयाँ दिलाते हैं। मुनिया बहुत खुश होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुनिया की चाची को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मुनिया घर आती है तो चाची उस पर बहुत चिल्लाती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है और मुनिया के नए कपड़े जलाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो मुनिया के कपड़े जलाती है, वैसे ही सितारे में से बहुत तेज आग निकलती है और चाची के कपड़े जलने लगते हैं। चाची चिल्लाती है, बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ। मुनिया आकर देखती है तो चाची के कपड़ों में आग लगी होती है। मुनिया जल्दी से पानी लाकर उनकी आग को बुझा देती है और चाची की बहुत सेवा करती है। ये सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मुनिया से कहती है, मुझे माफ कर दो मुनिया, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। और मुनिया को अपने गले से लगा लेती है। मुनिया को समझ आता है कि ये सब सितारे ने किया। मुनिया रात को सितारे से कहती है, मुझे माँ से मिलना है। इतना कहते ही मुनिया की माँ मुनिया के सामने आ जाती है। क्या हुआ बेटा? माँ आप ये सितारा ले जाइए, आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुनिया की बात सुनकर माँ खुश होती है और उस सितारे को अपने पास रख लेती है और मुनिया को बहुत सारा प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर में सब कुछ अच्छा है। चाची मुनिया से बहुत प्यार करती है और अब मुनिया अच्छे से रह रही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे मुनिया की चाची करती है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसा चाची के साथ हुआ। नानी थी।